इनको बोर्डिंग पास मिल चुका है अपना बैग पर, जस्ट अभी इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया। ये देखो चारों ओर बस बोतल ही बोतल दिख रहा है मुझे तो। हमारा इमिग्रेशन हो गया बहुत इजी, दो सिम फ्री में दिया है। हमारा एयरपोर्ट मतलब इंडिया के एयरपोर्ट ज्यादा चकाचक लगता है मुझे। उतरते टाइम जल्दीबाजी में भूल गया, मेट्रो में रह गया। हम दुबई में सुने हैं कि बैग कभी कहीं जाता नहीं, मिल जाता है, कोई कुछ भी गिरा रहता है कोई भी उठाता नहीं है। देखते हैं ये चीज़। या हबीबी, वेलकम टू दुबई। अस्सलामुअलैकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है एक और नया ब्लॉग में। आज से ब्लॉग ऐसे होते, आयत भी रेडी हो गया, आयत का मम्मी भी रेडी है। हम लोग जाएंगे अभी एयरपोर्ट के लिए, रवाना हो रहे हैं बैग लेके, नीचे जाएंगे फिर उधर। वो इधर देखो, बताओ क्या बताना है। एरोप्लेन जाना है। अच्छा, एरोप्लेन में चढ़ने जाना है, एयरपोर्ट जाना है, इसीलिए बोल रहे बैग लेके नीचे चलते हैं और कैब वगैरह कुछ बुलाते हैं, फिर एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल 3 में जाएंगे। ये होटल छोड़ रहे अपन, चलो आ जाओ बैठो, आयो फास्ट। डिकी में एक रख दिए और सामने एक रख दिए, T3। चलिए आयु, देखो अकेला जाएगा, कहीं भी अपना बैग खुद लेके जाएगा। ये देखो एलिफेंट। चलो थोड़ा, हम सोचे थे थोड़ा सा फोटो शूट कराएंगे, लेकिन नहीं, बोर्डिंग पास पहले बना लेते हैं। यू आर हैप्पी? हम कहाँ जा रहे हैं? एलिफेंट अनलॉक कर रहे हैं। मामा कहाँ घूम रहे हो? देखो बेबी कैसे कर रहे हैं, देखो थर्टी एट किलो और एक एक का 30 था ना। आयात का सबसे पीछे, पापा का सबसे आगे, फिर मम्मा का, फिर आयात का सबसे पहले चला गया। आयात का नहीं गया अभी तक जा। चले चले गए, आपका सबसे पीछे गया, देखो इधर आयात को दूर में कर दो। आयात बाय आयात। हमने अपना, हमको बोर्डिंग पास मिल चुका है, अपना बैग चेकिंग में दे चुके हैं अंदर, हमारा स्पाइस जेट में था, बोर्डिंग पास मिल चुका है, अभी जा रहे हैं हम इमिग्रेशन की, इमिग्रेशन करवा के फिर चेकिंग करा के आगे जाएंगे। यहाँ पे बैग का सेफ्टी के लिए बैग का कवर वगैरह किया जा रहा है, यहाँ पे मतलब प्लास्टिक से कवर किया जा रहा है। हम ये देखे नहीं, याद भी नहीं था, नहीं तो हम भी करवा लेते। चलो नेक्स्ट टाइम। तो माँ बेटी आ रहा है, ये इमिग्रेशन काउंटर है, इमिग्रेशन करवाएंगे। जस्ट अभी इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया पहले, फिर चेकिंग, ये पीछे फ्रिस्किंग पॉइंट है, चेकिंग फ्रिस्किंग कंप्लीट हो गया, अभी हम जा हमारे 4 नंबर गेट पे है। चलो ड्यूटी फ्री एरिया में अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। ये देखो ड्यूटी फ्री एरिया, देखो ये हमारा आईजीआई एयरपोर्ट को 2022 में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड से नवाजा गया था, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 40 मिलियन पैसेंजर एशिया पैसिफिक रीजन में। ये देखो आयो, क्या कर रहे हो? चलो ड्यूटी फ्री एरिया देख लो। ये देखो चारों ओर बस बोतल ही बोतल दिख रहा है मुझे तो। ये देखो एक से एक प्रीमियम बोतल, इधर भी चारों ओर बोतल, एक से एक बोतल दिख रहा मुझे। अरे ड्यूटी फ्री मतलब बोतल ही है क्या? यहाँ तक बोतल है, यहाँ पे कॉस्मेटिक आइटम्स है, परफ्यूम्स वगैरह। ये देख लेडीज के लिए क्या हुआ, वो ये इसमें क्या कर लोगे? हाँ ओले, चलो हो गया। देखो ये अपना पप्पी को, डोगी को यहाँ पे रख के ऐसे घूम रहा है, ट्रॉली में ट्रॉली रख दो मम्मा। वाह ये वाला देखो, इतना लग्जूरियस लग रहा है ये सब। वॉचेस इधर खड़ा है सब, एयर इंडिया, एयर इंडिया। वाह यहाँ पे देखो रॉयल एनफील्ड कितना जबरदस्त लग रहा है। पहले आना चाहिए, ये नजारा। हाँ
मामा जल्दी जल्दी। दो घंटा ढाई घंटा पहले पहुंचे, फिर भी ये देखो यहाँ पे लिफ्ट लिए 2-3 घंटा पहले। हाँ जरूर जरूर जरूर, अभी हम लॉन्च एक्सेस के लिए जा रहे हैं और एयरपोर्ट में कभी भी आना है मनोरंजन के लिए 2 घंटा पहले से जरूर आना चाहिए। जो हमारा जैसे सोच रखता है उनको तो पहले 2 से 3 घंटा पहले पहुँच जाना चाहिए, फिर आराम से कब टाइम पास हो जाएगा पता नहीं चल पाएगा। तो फिर भी हम 2.5 घंटा पहले आए, फिर भी हम लोगों को लग रहा कि हमारा टाइम कुछ कमी रह गया। हम लोग पहुंच चुके हैं फूड कोर्ट एरिया में, ये देखो लोग नाश्ता वगैरह कुछ करके नहीं आए हैं, तो पहले नाश्ता पानी कुछ कर लेते हैं उसके बाद आगे जाएंगे। बच्चे का प्ले ग्राउंड है बेबी प्लेइंग के लिए। अच्छा गुड, यस वाह, छोटे बच्चे के लिए अच्छा है। दिल्ली भी कभी भी आते फेमस है, इसका तो लेना ही पड़ता है। चलो ओके, ये देखो देख सकते हो दूसरा का बस में हम अकेले हैं, बस स्पेशल तौर पे स्पेशल है। वो एरोप्लेन में जाना है, अच्छा चलो चलो आगे बढ़ो। थैंक यू सर, थैंक यू। इसका सेटअप है बर्गर है, बर्गर पॉपकॉर्न कौन छोला है छोले हो। हमको जो सीट मिला है उसका लेग स्पेस लगभग ठीक है, अगर आप स्ट्रेट होके बैठे रहोगे तो लगभग ये नीचे 2 उंगली खाली मिल जाएगा, और थोड़ा सा भी ऐसे कर दोगे पीछे झुक जाओगे तो आपको यहाँ पे लग जाएगा। 3-4 घंटे जाना थोड़ा सा तो लंबा आदमी के लिए कठिन है, बट कोई बात नहीं। क्या कर ले हो? मैं फ्लाइट के अंदर टॉयलेट में आ चुका हूँ, एक्चुअली रियली मुझे टॉयलेट लगा है, इस वजह से बड़ा सा शीशा लगा हुआ है और ये है टॉयलेट। तो पूछना है ये हेड वॉश, ये लॉक है, ये कुछ और है। खाली हो गया, अपन लोग उतर रहे अभी, जस्ट आया तो और उसका मम्मा पीछे रह गया, अरे की पता है ये हम आ गए आया तो उसके मम्मी के लिए वो पीछे आ रहा हो। कथा आ रही है, अरे आप कहाँ चले गए थे, आपको दिखाई नहीं दी कौन। बस अब निकल के जा रहे हैं, अगर इमिग्रेशन होगा बैग लेंगे और आगे निकलेंगे, ना बैग लेके फिर इमिग्रेशन होगा। आ जाओ, बस ये वाला एक्सेलेटर मतलब जो ऊपर जाने वाला होता है वो एक्सेलेटर कहते हैं, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, बस इसी के ऊपर चलते चलते आ गए। से हमको फास्ट पुरुष खलीफा का फास्ट दर्शन हो गया है। ये हमको यहाँ से बैगेज लेने के लिए, बैगेज क्लेम करने के लिए हमको जाना पड़ेगा बाय मेट्रो, मेट्रो के थ्रू। अभी जस्ट एक मेट्रो निकल गया, अभी नेक्स्ट मेट्रो आएगा तो उसमें हम जाएंगे, मेट्रो के लिए इंतज़ार करेंगे। अभी इधर मेट्रो आ गया, वाओ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यस बैठो बैठो, ऐसे नहीं आराम से बैठो। अच्छा एक से दूसरे का कनेक्ट नहीं है, अलग अलग है। अच्छा कम टू दुबई, इधर से इधर इधर, अच्छा ये सब कनेक्शन इधर से उधर घूमने वाला। एमिरेट्स स्काई कार्गो, स्काई कार्गो एमिरेट्स।
बैगेज रिक्लेम यही पे होगा, इधर जाना है आगे। हमारा इमिग्रेशन हो गया, बहुत इजी प्रोसेस था, कुछ नहीं पूछा, बस बोला सीधा देखो, स्टैम्प लगाया, छोड़ दिया। और हमारे उसके साथ साथ ये दोनों को दो सिम फ्री में दिया है। हम बैगेज कलेक्ट करेंगे यहाँ से। अभी हम बैगेज कलेक्ट करने के लिए बेल्ट एरिया में आ गया, हमारा 8 नंबर बेल्ट में बैगेज मिलने का। मेरा वाला बैग आ गया, येलो कलर, येलो बैग। बैग कलेक्ट हो गया है, अब हम चलते हैं। 8 नंबर बोले। हम अभी एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं। आयु कहाँ बैठे? एग्जिट। ये वेट कर रहा है यहाँ पे, जो उन लोगों का कोई होटल वगैरह से यहाँ से रिसीव करता है, इसीलिए ये लोग यहाँ पे वेट करता है। बस ज़्यादा नहीं, एग्जिट होने के बाद, इनका एग्जिट होने के बाद यही यहाँ से रिसीव कर लेता है जिस मतलब होटल वाले कोई रिश्तेदार। लेकिन हम मेट्रो में जाएंगे बोल के हम इधर जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया हुआ है, मेट्रो और टैक्सी के लिए आप इस साइड में जा सकते हैं, जिधर हम जा रहे हैं उधर लेफ्ट साइड की तरफ। ये देखिए यहाँ पे एग्जिट है। पता है हमें ऐसे फील हो रहा है जब हम इंडिया में ही हैं, चारों तरफ इंडियन, सब इंडियन ही लोग भरा हुआ है। एयरपोर्ट तो इतनी चकाचक नहीं है, हमारा एयरपोर्ट मतलब इंडिया के एयरपोर्ट ज़्यादा चकाचक लगता है मुझे। यहाँ है मेट्रो, हमें मेट्रो के लिए वह मिल चुका है, ये सामने मेट्रो है, अभी हम मेट्रो से जाएंगे। और ये मेरा बेटी मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो खुद बोल रहे हैं मैं करूँ, वो खुद ही लेके जाएगा। चलो इधर से इस तरह, ओह लग जाएगा पापा, चलो। वाह, इधर एयरपोर्ट, इधर मेट्रो। थैंक यू। अंकल को सलाम बजाओ। थैंक यू सो मच। हाँ, इंडिया से हूँ, बंगाल से। आप लोग? पाकिस्तान वाले। हम क्या रहते हैं? हम रहते हैं नॉल कार्ड ले लिए हैं। हाँ, मैसेज से जाएंगे हम अंदर मेट्रो में। हाँ, दो नंबर प्लेटफॉर्म मेट्रो में, दो नंबर ना। यहाँ पे पूछा मैं, अंडर 5 ईयर बच्चे का कार्ड का जरूरत नहीं है। ये हमारा है, इसको 5 साल नहीं हुआ, लेकिन आपको लगेगा 5 साल का हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ। ये है हमारे, सही से दिखाते हैं। 25 दिरहम मतलब इंडियन। अच्छा अच्छा, सब इंडिया जैसे ही है यार, है ना? दो नंबर से ना, लिफ्ट से। हाँ, रुको, थोड़ा रुक जाओ, आराम से चलेंगे। अरे यार भाई, हमें दो भाई साहब मिला है, दोनों पाकिस्तान से, भाई लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोनों ही पाकिस्तान पंजाब से है। जी, कभी मौका मिलेंगे तो आएंगे जरूर, आप लोग भी आइए इंशाल्लाह, देखते घूम फिर। ये देखो दुबई मेट्रो। हाय यार, यूनियन मेट्रो स्टेशन में उतर के अल गुबाइबा मेट्रो स्टेशन जाएंगे, इसलिए रेड लाइन से ग्रीन लाइन में जाने के लिए यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे। यह है बुर्जमान मेट्रो स्टेशन, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, पूरा लाइटिंग देखो। दुबई आते ही दुबई में स्वागत, मेरा अपना गलती से हुआ है, मैं अपना बैग, मेरा बेटी खेल रहा था बगल में, मैं पिट्टू बैग जो है निकाल के रखा था, और निकाल के रखा और उतरते टाइम जल्दीबाजी में भूल गया, मेट्रो में रह गया। हम दुबई में सुने हैं कि बैग कभी कहीं जाता नहीं, मिल जाता है, कोई कुछ भी गिरा रहता कोई भी उठाता नहीं है, देखते हैं ये चीज़। अभी हम बुर्जमान स्टेशन में है, यहाँ से अगला स्टेशन जाएंगे हम सर्फ डीजी में। अच्छा ठीक है जी, पानी पीना है, चलो चलो बाहर। हाँ,
हेलो गाइस, आ जाओ। अच्छा पापा नहीं दिया, वो पूरा चैनल में बोल दिया। वेलकम टू दुबई या हबीबी, वेलकम टू दुबई। दुबई में खाना खा रहा, हमारा सामान पैकिंग हो रहा है। ये ले, व्यवहार बहुत अच्छा लगा सब। वाओ वाओ, आवर रूम, यू लाइक इट? वाओ टीवी, वाओ What is this? Oh, मैं खुश हूँ। कुछ वो आप खुश हो? वाव, चलाओ और